वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगर आप कॉमर्स के कॉलेज की तलाश कर रहे हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको दिल्ली से रिलेटेड या एनसीआर में या दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई कॉलेज चाहिए है, तो उसमें रेटिंग क्या है, कौन कौन से कॉलेज का सिलेक्शन आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा और इंडिया टुडे इसमें क्या कहता है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 कॉलेजेस फॉर कॉमर्स इन दिल्ली एज पर इंडिया टुडे रेटिंग। तो इंडिया टुडे एक सर्वे करता है हर साल, और उस सर्वे के बेसिस पर, तो जो रीसेंट सर्वे था इंडिया टुडे का लास्ट ईयर का, उसके बेसिस पर ये डेटा हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनकी लोकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, और आप क्या क्या चीजें नई सीख सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ में आप अपने स्किल को कैसे एनहांस कर सकते हैं उस पर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंक वन पे डेफिनेटली श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, एसआरसीसी के नाम से जानते हैं इसको, कॉमर्स का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं हम। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेज हैं, एफिलेटेड कॉलेज हैं, वो दो कैंपस में डिवाइड हो गए, एक तरफ नॉर्थ कैंपस है और एक तरफ साउथ कैंपस है। तो हमने सारे कॉलेजेस के साथ में एन या एस लिख दिया है, जो जहां एन लिखा हुआ है वो नॉर्थ कैंपस में बिलोंग करते हैं, और जहां एस लिखा है तो डेफिनेटली वो साउथ कैंपस के कॉलेज है। तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की अगर बात करें तो नॉर्थ कैंपस में है, यहाँ की जो मेरिट है वो रिलेटिवली काफी ऊपर जाती है। ऐसा बोला गया है कि फर्स्ट लिस्ट लगभग देखा गया है कि 98.8 के आसपास या 99% पे जाती है। तो ये इसकी कॉलेज की रेटिंग है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपका परसेंटेज एक दो नंबर से थोड़ा कम है तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि डीयू में 5, 6, 7, 8 लिस्ट लगातार आती रहती हैं। तो जब भी ये अपने मेरिट डिक्लेयर करते हैं तो लगातार आप इनकी साइट को चेक करते रहेंगे। इनकी साइट है du.ac.in और उस पर एडमिशन पोर्टल जो लिंक होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। तो नंबर वन पे इंडिया टुडे के हिसाब से श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। दोस्तों आपको इस वीडियो में जरूर से बता दें कि ये जो भी रैंकिंग है वो पर्सनल अपने डिस्क्रिप्शन से हमने यूज नहीं करी है, वो इंडिया टुडे की रेटिंग के हिसाब से है। और डेफिनेटली मेरे हिसाब से भी इसमें कुछ कॉलेजेस छूट रहे थे जिनको अदर कॉलेजेस के नाम से हमने अलग ऐड करा है, क्योंकि ये भी काफी रिप्यूटेड कॉलेज है। नंबर टू पे इन्होंने रखा है एलएसआर को, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, कल्चरल फेस्ट के लिए काफी जाना जाता है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एसआरसीसी, इसके तो बहुत ही सारे यूएसपी, इसमें एडमिशन क्यों लिया जाए, इसके लिए बहुत सारे इसके पॉजिटिव साइड बनते हैं। फिर नंबर थ्री पे इन्होंने रखा है हंस राज कॉलेज को, ये भी नॉर्थ कैंपस में है, एसआरसीसी मेन कैंपस के पास में ही है। हिंदू कॉलेज को रखा है इन्होंने फोर्थ नंबर पे, ऑल्दो थर्ड और फोर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर बच्चों का एलुमिनाई की फीडबैक लिया जाए, बच्चों से पूछा जाए, तो लगभग दोनों कॉलेज की स्टैंडिंग आसपास है। फिफ्थ पे इन्होंने रखा है रामजस कॉलेज को, नॉर्थ कैंपस का ये भी एक और कॉलेज है। सिक्स नंबर पे रखा है डीसीएसी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये साउथ कैंपस में है। फिर साउथ कैंपस में गार्गी है, गार्गी इज ओनली फॉर गर्ल्स। फिर एट नंबर पे है वेंकटेश्वरा, साउथ का है, साउथ कैंपस का एक बेहतरीन कॉलेज है वेंकटेश्वरा, और इसका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है साउथ कैंपस में। फिर नॉर्थ कैंपस से थोड़ा सा हटके है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, इसको 9 नंबर पे रखा है। और 10th पे साउथ कैंपस में एक और कॉलेज है, कमला नेहरू कॉलेज फॉर वुमेन। इसके बाद अगर बात करें कुछ और कॉलेजेस हैं जो इंडिया टुडे की रेटिंग में छूट रहे थे, लेकिन इन कॉलेजेस का भी एक अच्छा स्टैंडिंग है, अच्छी पोजिशन पे ये स्टैंड करते हैं, और ये भी बच्चों को बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन देते हैं। उनमें से अगर हम बात करें, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, आत्माराम कॉलेज है, दीनदयाल कॉलेज है, जीसस एंड मैरी है, किरोड़ीमल कॉलेज है, और इसके अलावा मैत्री है, बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं। तो आप अपने परसेंटाइल के बेसिस पर या जो भी आपको एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है उसके हिसाब से आप रेट कर लें कि आप कौन से कॉलेज के हिसाब से आपका गेज सेट होता है, और ये कॉलेजेस की रैंकिंग है। लेकिन इस पूरे पोर्टफोलियो में आपको क्या मिलने वाला है, हर कॉलेज की अलग अलग यूएसपी है। इसमें अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, डेफिनेटली अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, नियर बाई से हैं, एंड इफ यू आर थिंकिंग टू माइग्रेट टूवर्ड्स दिल्ली, आप दिल्ली शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो आपको ये बहुत बड़ा एक आपके लिए करियर में जैक लगेगा। इस पे आपका करियर एनहांसमेंट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगभग इन सारे कॉलेजेस में चलते हैं, कि केवल यहाँ पे ट्रेडिशनल एकेडमिक्स पे फोकस नहीं है, आपके कोई ना कोई स्किल के ऊपर देर आर एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शन जो आपको अलग से सर्टिफिकेशन के थ्रू और ज्यादा ग्रो करते रहेंगे। सेमिनार, वेबिनार्स, ये सब लगातार यहाँ पे इन कॉलेजेस में कंडक्ट होते रहते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर किस तरीके से, यहाँ पर इंटरनेशनल एकेडमिशन जो होते हैं उनको वेबिनार के थ्रू लिंक करते हैं। तो समटाइम्स यू विल बी अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस, आपको कोई सेमिनार अटेंड करना होगा जिसमें कोई स्पीकर मे बी लंडन से होगा, कोई यूएस से हो सकता है, कोई जर्मनी से हो सकता है। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, स्पोर्ट्स मीट देते हैं, कल्चरल फेस्ट, स्पेशली एसआरसीसी की बात करें तो इसका जो कल्चरल फेस्ट है उसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते हैं। और इन कॉलेजेस में स्पेशली जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं, या लगभग सभी में आप कह लें, यहाँ पर आपको इंडिया के वो सारे पॉलिटिशियंस, वो सारी पब्लिक फिगर्स जिनको आप टेलीविजन पे देखते हैं, उनसे आप पर्सनली आपको उनको देखने का, सुनने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी इसका एसआरसीसी का जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर दलाई लामा
तो ऐसे रहते हैं, या कभी कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग यहाँ पर आते रहते हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स इन कॉलेजेस में आते रहते हैं, कल्चरल फेस्ट यहाँ होते हैं, स्टूडेंट पार्लियामेंट। तो दीज टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज यू आर गोइंग टू अवेल फ्रॉम द कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली से रिलेटेड ये सारे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है। तो ये दिल्ली के कॉलेजेस हैं, इनके बारे में एक बार आप भी गूगल कर लेंगे, या अपने कोई अगर सीनियर कलीग्स हैं तो उनसे आप रिस्पॉन्स ले लेंगे। हॉस्टल की अगर आप बात करें तो हॉस्टल कुछ कॉलेजेस के अपने हॉस्टल हैं, कुछ कॉलेज अपना अकोमोडेशन नहीं देते हैं, तो नियर बाई आपको देखना पड़ता है। इन जनरल अगर आप ट्विन शेयरिंग पे जाते हैं, पीजी आप हायर करते हैं, तो लगभग एवरेज देखा जाए तो लगभग 11-12,000 रुपीज का रेट है। या अगर थोड़ा सा आप क्वालिटी को नीचे करेंगे तो यू कैन हैव इट एट 8,000-9,000, थोड़ा क्वालिटी आप हाई करेंगे तो 14-15,000। एवरेज में 10-11-12,000 रुपए तक में ट्विन शेयरिंग पे आपको अकोमोडेशन एंड फूडिंग दोनों मिल जाएगा। लगभग राउंड फिगर में आप 10,000 पकड़ के चले, अगर प्राइवेट आप हॉस्टल पीजी लेते हैं तो लगभग 10,000 में आपको रहना खाना मिलेगा। बाकी डिपेंड करेगा आप किस तरीके की क्वालिटी वहां पे चाह रहे हैं। अगर हम नॉर्थ कैंपस की बात करें तो नॉर्थ कैंपस के पास में जो बड़ी लोकेशन है, कश्मीरी गेट हो गया है, या 30,000 कोर्ट हो गया है, या सिविल लाइन्स है, तो ये दिल्ली के एक तरफ वाला एरिया है। नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेज है, कश्मीरी गेट हो गया है वहां पर, 30,000 कोर्ट बहुत फेमस है वो हो गई है, सिविल लाइन्स है। साउथ कैंपस की अगर बात करें तो साउथ कैंपस के पास में रिलेटिवली देखा जाए तो स्टूडेंट ज्वाइंट ज्यादा है, यहाँ पर आपको घूमने फिरने के लिए जगह ज्यादा मिलेंगी, थोड़ा सा पास में यहाँ, मतलब उतना डिस्टेंस में नहीं, लेकिन रिलेटिवली वहाँ पे रिलेटिवली पास में हॉस्कास है, जो बड़ा एक हब माना जाता है, वहां पे लोग स्टूडेंट का एक बड़ा ज्वाइंट माना जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा कुतुब मीनार हो गया, हुमायूं टूम हो गया, तो दीज आर द प्लेसेस यू कैन ऑल्सो हैव अराउंड इन साउथ कैंपस। और नॉर्थ कैंपस की बात करें तो हमने आपको बताया यहाँ पर इंडिया लेवल पे फेमस है, 30,000 कोर्ट है, कश्मीरी गेट है, दीज आर द लोकेशंस। सो दिस वाज आवर वीडियो रिगार्डिंग द टॉप कॉमर्स कॉलेजेस इन दिल्ली। और बाकी लखनऊ में कौन से कॉलेज हैं, बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है, मुंबई में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप बीकॉम के साथ कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स के साथ कर सकते हैं, इन सबके लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहे और आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।